हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं रिजल्ट की। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के रिजल्ट की बात कर लेते हैं जो आपका आ चुका है। इसके अकॉर्डिंग मैंने न्यूज़ भी आप लोगों के लिए डाल दी है, आप लोग उस पर भी देख सकते हैं, डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में हैं उनका भी रिजल्ट आ चुका है। उसका देखिए रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं गया है, उसमें लगभग 50,000 छात्र फेल हुए हैं। ये कहाँ पे कमी रह गई, ये चीज़ नहीं समझ में आती है। और अगर डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की बात की जाए तो इसमें टोटल जो स्टूडेंट थे तो 80,136 स्टूडेंट थे, जिसमें 79,340 स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया और जिसमें फेल जो छात्र हैं वो 19,540 छात्र हैं। और पास वाले छात्रों की जो संख्या हो जाती है वो 59,743 छात्र हो जाते हैं। यानी कि देखिए इतनी संख्या में छात्र फेल हुए हैं कि मान के चलिए कि देखिए फर्स्ट सेमेस्टर की अगर बात की जाए तो 50,000 लगभग, और अगर थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की बात की जाए तो 19,540। क्योंकि देखिए ये जो संख्या ये कम नहीं होती है, बहुत ज़्यादा संख्या होती है, क्योंकि हर स्टूडेंट अपने में महत्वपूर्ण है ना, और हर स्टूडेंट को पास होना चाहिए। इसलिए आप लोग अच्छे से तैयारी करें, डीपली तैयारी करें, भले 2 घंटे आप लोग पढ़ाई करें लेकिन अच्छे से पढ़ाई करें, आप लोग स्मार्ट वर्क करें। और देखिए ये भी नहीं होता है कि आप लोगों ने मेहनत नहीं की होगी, क्योंकि इसमें एक जो प्रक्रिया होती है वो सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि आपने सारे सब्जेक्ट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, ठीक है। और किसी सब्जेक्ट में बाई चांस एक नंबर भी कम रह जाता है तो उसमें क्या होता है, वो पास में काउंट नहीं होता है, वो फेल में काउंट होता है। तो ये भी बहुत बड़ा रीज़न होता है कि एक सब्जेक्ट में अगर एक नंबर भी कम है तब भी दिक्कत हो जाती है, वो फेल में काउंट होता है ना। तो जो वो एक नंबर भी कम है तो वो भी नहीं कम होना चाहिए। इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें। और मैं ख़ास तौर से फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए कहना चाहूँगी कि देखिए आप लोगों को तो हर हाल में ही पास होना है, और सभी स्टूडेंट को पास होना है और हर हाल में पास होना है, क्योंकि सभी का बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो आप लोगों का टाइम चल रहा है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है। एग्जाम आने वाले हैं, रिजल्ट आ चुका है, प्लस जो 2024 में वैकेंसीज यानी कि सुपर टेट आएगा तो उसमें भी आप लोगों को बैठना है। इसलिए आप लोग सबसे पहले डीएलएड को अच्छे से कंप्लीट करें, उसके बाद सीटेट को कंप्लीट करें। आपका सीटेट भी दिसंबर में नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसके बाद जनवरी से फरवरी में एग्ज़ाम करा लिए जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग स्टेप बाई स्टेप वर्क करें और अच्छे से वर्क करें, बना। तो चलते हैं हम लोग पवन सीरीज की, जो पवन सीरीज में जो बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चंस है उनको देख रहे थे, तो उसमें 1 to 25 क्वेश्चंस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज 26 to 50 क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो आपका हो जाता है आज की सीरीज के अकॉर्डिंग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, और सीरीज के अकॉर्डिंग 26 नंबर क्वेश्चन है आपका, एलिसा परीक्षण है। तो हिपेटाइटिस, क्षय रोग या एड्स या टाइफाइड, तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है वो आपका सा ऑप्शन हो जाता है, यानी कि एड्स हो जाता है। एलिसा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए एलिसा का जो फुल फॉर्म हो जाता है वो हो जाता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो एसे, और इसका उपयोग क्या होता है कि शरीर में प्रवेश करने वाले हानिकारक पदार्थ के कारण उत्पादित रक्त में यानी ब्लड में एंटीबॉडी की पहचान करने के लिए किया जाता है। उसके बाद आपका सेकेंड क्वेश्चन हो जाता है गेलेना किस धातु का अयस्क है, तो ऑप्शन आ है जिंक का, ऑप्शन बा है लेड का, ऑप्शन सा है कॉपर का, और ऑप्शन दा है एल्यूमिनियम का। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है लेड का। देखिए गैलेना सीसा का अयस्क है, यानी जो लेड है वो क्या है, तो गैलेना सीसा का अयस्क है, और या लेड सेकेंड सल्फाइड PbS क्या है, तो PbS है, ये सल्फाइड का प्राकृतिक रूप है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हो जाता है वातावरण और जीवधारियों के पारस्परिक संबंधों से क्या बनता है, समुदाय बनता है या पारिस्थितिक तंत्र बनता है या जीवोम बनता है या खाद्य श्रृंखला
बनता है। तो इसमें आपका हो जाता है पारिस्थितिक तंत्र। अब अगर पारिस्थितिक तंत्र की बात की जाए तो पारिस्थितिक तंत्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो अंग्रेजी में इसको कहते हैं इकोलॉजी। क्या कहते हैं, तो इकोलॉजी कहते हैं। और जीव विज्ञान व भूगोल की एक शाखा है जिसमें जीव समुदाय का उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। प्रत्येक जंतु यानी हर एक जंतु या वनस्पति एक निश्चित वातावरण में रहते हैं, जैसा कि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि हर जंतु हर वनस्पति क्या करते हैं, तो एक निश्चित वातावरण में रहते हैं ना। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है शुष्क शेल में किस पदार्थ की छड़ एनोड का कार्य करती है। कार्बन हो जाता है, सिलिकॉन हो जाता है, जर्मेनियम हो जाता है या बोरोन हो जाता है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका कार्बन हो जाता है, यानी कि आ ऑप्शन हो जाता है। इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए जो शुष्क शेल का जो कैथोड ग्रेफाइट तात्विक कार्बन से बना होता है और ग्रेफाइट का उपयोग शुष्क शेल के कैथोड में किया जाता है, ठीक है ना। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो आ ऑप्शन यानी कि कार्बन हो जाता है वो आपका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का नाम है। तो इसमें आपका लाल रुधिर कणिका हो जाता है, प्लेटलेट्स हो जाता है, श्वेत रुधिर कणिका हो जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाता है वो आंसर है आपका बा ऑप्शन यानी कि प्लेटलेट्स। देखिए प्लेटलेट्स क्या है, प्लेटलेट्स की बात करें देखिए तो प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में, तो थ्रोम्बोसाइट। देखिए थ्रोम्बोसाइट। और देखिए प्लेटलेट्स छोटी रक्त कोशिकाएं होती हैं जो आपके शरीर को रक्त स्त्राव को रोकने के लिए थक्के बनाने में मदद करती हैं। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो बा ऑप्शन हो जाता है, यानी कि प्लेटलेट्स हो जाता है। क्वेश्चन है प्राकृतिक चयनवाद प्रतिपादक किया गया, तो डार्विन द्वारा या ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा, जगदीश चंद्र बोस द्वारा या लेमार्क द्वारा। तो इसमें आपका जो ऑप्शन हो जाता है राइट वो आपका आ ऑप्शन हो जाता है, यानी कि डार्विन द्वारा। देखिए चार्ल्स डार्विन प्राकृतिक चयन द्वारा विकास के सिद्धांत से जुड़े हैं। वर्ष 1859 कब, तो 1859 में डार्विन ने प्राकृतिक चयन द्वारा विकास के सिद्धांत को दुनिया के सामने रखा। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि डार्विन ने दुनिया के सामने ये सिद्धांत कब रखा, तो 1859 ईस्वी में, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका हो जाता है निम्नलिखित में से सांद्रण विधि नहीं है। तो फर्स्ट हो जाता है फैन पुलमन विधि, सेकंड हो जाता है चुंबकीय पृथक्करण विधि, और थर्ड हो जाता है निस्तापन विधि, और फोर्थ हो जाता है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। तो इसमें आंसर सबसे पहले जान लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ये होता क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है निस्तापन विधि हो जाता है, यानी कि जो आपका सा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। देखिए इसमें चीज़ों को एक एक करके समझ लेते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जिनको बहुत ज़्यादा डिटेल में समझना रहता है, कुछ चीज़ें होती हैं जिनको कम डिटेल में समझना रहता है ना। तो फैन पुलमन विधि क्या है, तो इसके बारे में समझ लेते हैं। ये आपका जो हो जाता है फर्स्ट नंबर का ऑप्शन हो जाता है कि फैन पुलमन विधि है क्या। तो फैन पुलमन विधि का आधार अयस्क और अशुद्धि के कणों के पानी और तेल के साथ गीला करने के गुणों में अंतर पर आधारित है, और इस प्रक्रिया का उपयोग उन धातुओं के लिए किया जाता है। किन धातुओं के लिए, तो जिनका अयस्क तेल में भिगोया जाता है और जिनकी अशुद्धियों को पानी में भिगोया जाता है। तो इस तरह से ये आपकी फैन पुलमन विधि हो जाती है। और अगर बात की जाए तो चुंबकीय पृथक्करण विधि क्या होती है, तो इसको भी समझ लेते हैं, क्योंकि इस तरह के भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप लोग चीज़ों को अच्छे से समझिए। तो चुंबकीय पृथक्करण विधि, इसमें बारीक पिसे हुए अयस्क को रबड़ की बेल्ट के एक सिरे पर डाल दिया जाता है।
तो चुंबकीय कण चुंबकीय रोलर से निकट इकट्ठा हो जाते हैं, जबकि अचुंबकीय कण रोलर से दूर इकट्ठा हो जाते हैं। इस विधि को क्या कहते हैं? तो इस विधि को चुंबकीय पृथक्करण विधि कहते हैं। इसमें क्या होता है कि देखिए, ये पट्टा होता है जैसे, ठीक है ना, और यहाँ पे हो जाता है इस तरह से पट्टा, और ये एक चक्का हो जाता है, और ये पट्टा इस पे चढ़ा हुआ होता है, और ये चुंबक हो जाता है, ये हो जाता है, कण हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से ये क्या माने जाते हैं? तो ये आपके अयस्क हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? तो ये अयस्क हो जाते हैं, और ये गुरुत्वीय रोलर हो जाता है। ये क्या हो जाता है? तो ये गुरुत्वीय रोलर हो जाता है, और ये क्या हो जाती है? तो ये जो आपकी ये है, ये बेल्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो इस तरह से देखिए चीज़ों को समझिए। तो इसमें क्या हो जाता है कि इसमें बारीक पिसे हुए कण, देखिए ये जो आपके बारीक पिसे हुए कण हैं, वो रबड़ की बेल्ट के एक सिरे पर डाल दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो चुंबकीय कण चुंबकीय रोलर से निकट इकट्ठा हो जाते हैं, जबकि अचुंबकीय कण रोलर से दूर इकट्ठा होते हैं। तो इस तरह से ये हो जाता है। उसके बाद देखिए गुरुत्वीय पृथक्करण को जान लेते हैं, है ना। तो इसको देखिए समझते हैं कि इसमें क्या होता है। इस विधि में हल्के यानी कम अपेक्षित घनत्व वाले भू अपद्रव्य को पानी में घोलकर भारी धात्विक अयस्क कणों से पृथक किया जाता है, और इसका उपयोग देखिए हेमेटाइट किसमें किया जाता है, तो आपका हो जाता है हेमेटाइट, जो एफ ई ओ, और वंग प्रस्तर SNO और स्वर्ण AU यानी सोना, है ना, जैसे भारी ऑक्साइड यानी ऑक्साइड एस्कों के सांद्रण के लिए किया जाता है। तो इस तरह से हो जाता है। और इसमें देखिए पूछा क्या गया है, यानी कि क्वेश्चन क्या किया गया है कि निम्नलिखित में से सांद्रण विधि नहीं है, तो ये आपकी सारी सांद्रण विधि हो जाती है। यहाँ पे जो नहीं है उसके बारे में बात करनी है, यानी वही आपका राइट आंसर होगा। तो इस तरह से आपका निस्तापन विधि हो जाता है। देखिए इस क्वेश्चन में काफ़ी टाइम हमने आप लोगों का ले लिया, लेकिन चीज़ों को डिटेल में समझना है आप लोगों को अच्छे से, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लग गया। अब चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन है, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ में आवेश आ जाता है, तो धन आवेश ऋण आवेश दोनों आवेश कोई आवेश नहीं, तो इसमें आपका हो जाता है ऋण आवेश, ठीक है ना, यानी कि जो आपका बा ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन है आवर्त सारणी में किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर आयनिक त्रिज्या घटती जाती है, सुचालकता घटती जाती है, घनत्व घटता जाता है, या धात्विकता बढ़ती जाती है, तो इसमें जो आपका आंसर हो जाता है वो आपका द आंसर हो जाता है, यानी कि द ऑप्शन जो है वो राइट हो जाता है, यानी कि धात्विकता बढ़ती जाती है। जैव विकास को प्रमाणिकता के संदर्भ में बहुचर्चित वैज्ञानिक है, तो लेमार्क हो जाते हैं, डार्विन हो जाते हैं, आ और बा दोनों हो जाते हैं, या इनमें से कोई नहीं, तो इसमें देखिए जैव विकास की प्रमाणिकता के संदर्भ में बहुचर्चित कौन वैज्ञानिक है, तो दोनों हो जाते हैं, लेमार्क और डार्विन। देखिए हम लोगों ने इस पर डिटेल में डिस्कस किया है, आप लोग उन वीडियोज़ को देख सकते हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है ना। तो इन लोगों ने देखिए जैव विकास की प्रमाणिकता के संदर्भ में लेमार्क और डार्विन हो जाते हैं, तो इसमें इन्होंने देखिए जिराफ का एग्जाम्पल दिया, सांप का एग्जाम्पल दिया कि जिराफ की गर्दन छोटी होती है, पैर छोटे होते हैं, और उसको ज़मीन पे कुछ खाने को नहीं मिल रहा होता है, फिर वो क्या करता है, जब पेड़ की पत्तियाँ देखता है तो पेड़ काफ़ी ऊँचाई पर लगे होते हैं, तो इस तरह से वो क्या करता है कि अपनी गर्दन को उचका उचका कर और आगे के पैरों को उचका उचका कर वो पत्तियों को प्राप्त करना चाहता है, फिर एक टाइम ऐसा आता है वो पत्तियों को प्राप्त कर लेता है और अपनी भूख को शांत करता है, यानी कि उस वातावरण में हो जाता है। उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, जब दसियों पीढ़ी हो जाती है तो उसमें चेंजेस आते हैं, जब जिराफ का जन्म होता है तो उनकी लंबी गर्दन और लंबी टांगे होती हैं, यही तो एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़ा था ना। तो आप लोग इसमें डिटेल में आप लोग इसको पिछली वीडियोस में आप लोग देख सकते हैं और आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हो जाता है जैव विकास के अंतर्गत जीवों की संरचनाओं में समानताएं हैं,
समरूप या समवर्ती रचनाएं, समजात रचनाएं और बा दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसमें देखिए समरूप या समवर्ती रचनाएं और समजात रचनाएं यानी कि आ और बा दोनों हो जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है प्राकृतिक चयनवाद किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया? लेमार्क ने, डार्विन ने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने या जगदीश चंद्र बोस ने? तो इसमें जो आपका आंसर हो जाता है वो आपका बा ऑप्शन यानी कि डार्विन हो जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना के आजैविक घटक हैं तो कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, जलवायु, ये सभी। तो इसमें ये सभी हो जाते हैं यानी कि क्या कह रहे हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना के अजैविक घटक हैं। तो अजैविक घटक में कौन आता? अजैविक मतलब जो जिंदा नहीं है, जैविक मतलब जो जिंदा है। तो यहाँ पे अजैविक की बात की जा रही है तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, आ जिसमें तो नहीं, जैविक मतलब है ना। तो कार्बनिक पदार्थ हो जाते हैं, अकार्बनिक पदार्थ हो जाते हैं और जलवायु हो जाती है। देखिए ये क्या है, तो ये जैविक तो नहीं है, ये अजैविक हो जाते हैं, इसलिए ये सभी आपका राइट आंसर हो जाता है यानी कि द ऑप्शन। क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना के जैविक घटक। देखिए यहाँ पे दोनों क्वेश्चन हो गए, पहले आपने अजैविक घटक पढ़े, अब अजैविक घटक पढ़ेंगे, है ना। तो जैविक का मतलब होता है जिंदा, तो इसमें समझ लेते हैं। देखिए आपका हो जाता है पादक हरे, जैसे हरे पौधे, हरे पौधे क्या है, जिंदा है, तो इसमें जान तो होती है। और उपभोक्ता जैसे शाकाहारी और मांसाहारी, अपघटक एवं अपर द भोजी, ये सभी क्या होते हैं, तो ये सभी हो जाते हैं। इसलिए इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाता है ये सभी। आप लोग ध्यान रखिएगा कि हरे पौधे जहाँ पे आते हैं तो वो क्या है, जैविक में आते हैं। यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है तो कंफ्यूजन में ना रहिएगा, उसको क्लियर करिए। कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर देंगे, ठीक है ना। क्योंकि हमारा एम यह है कि आप लोग अच्छे नंबरों से पास हो, ठीक है, और ये ना हो कि कोई भी सब्जेक्ट में आप लोग कमज़ोर हों जिससे एक नंबर भी कम आए, तो ये सब चीज़ें नहीं। आप लोगों को अच्छे से तैयारी करनी है और अच्छा परफॉर्मेंस करना है और अच्छे से रिजल्ट यानी कि अच्छा रिजल्ट आए आप लोगों का, है ना। तो आप क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सरल आहार श्रृंखला के स्तर है तो उत्पादक हो जाता है, प्राथमिक उपभोक्ता हो जाता है, द्वितीय उपभोक्ता हो जाता है, ये सभी हो जाते हैं। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है वो आपका दा हो जाता है। यानी कि देखिए एक सरल आहार श्रृंखला के स्तर कौन कौन से, तो उत्पादक जो पेड़ पौधे हैं आपके, देखिए जो पेड़ पौधे हैं वो आपके क्या है, वो उत्पादक हैं। और वो कहाँ से भोजन लेते हैं, तो वो सूर्य के प्रकाश से लेते हैं, है ना। फिर प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं, तो प्राथमिक उपभोक्ता जो पेड़ पौधों को खाते हैं, है ना, जैसे खरगोश हो जाता, गाय हो जाती, बकरी हो जाती है। उसके बाद द्वितीय उपभोक्ता कौन होते हैं, तो द्वितीय उपभोक्ता जो इनको खाते हैं, है ना, तो वो द्वितीय उपभोक्ता हो जाते हैं। तो इस तरह से ये जो है खाद्य श्रृंखला है, तो इसमें सभी हो जाएंगे, क्योंकि उत्पादक, अगर उत्पादक नहीं है तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या खाएगा, और अगर प्राथमिक उपभोक्ता नहीं तो द्वितीय उपभोक्ता क्या खाएगा, यानी कि अगर पेड़ नहीं है तो खरगोश, गाय, बकरी, ये सब क्या खाएंगे, और मान लीजिए ये नहीं है तो जो दूसरे उपभोक्ता हैं वो क्या खाएंगे। तो इस तरह से जो श्रृंखला में सभी हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट एक दूसरे के लिए हो जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है एक घास स्थल में खाद्य श्रृंखलाएं देखी जा सकती हैं, तो यहाँ पे समझ लेते हैं क्या कह रहे हैं। एक घास स्थल में, तो घास, टिड्डा, गिरकिट, छिपकली, बाज, हरे पौधे, चूहे, बिल्ली, सांप, बाज, शेर। घास व पौधे, खरगोश, भेड़, हिरण, भेड़िया, शेर, चीता, ये सभी। तो यहाँ पर ये सभी हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि देखिए घास है, घास को किसने खाया, टिड्डे को खाया, टिड्डे ने खाया, टिड्डे को किसने खाया, तो गिरगिट ने, गिरगिट, तो छिपकली और उसके बाद बाज हो जाते हैं। इसी तरह हरे पौधे हैं, तो हरे पौधे, फिर चूहे को किसने, बिल्ली और सांप, और सांप को तो बाज और शेर ने खाया। फिर उसके बाद घास व पौधे हो जाते हैं, तो खरगोश, भेड़, हिरण, ये सब खाते हैं ना। उसके बाद भेड़िया इनको खा लेता है और भेड़िए को ये खा लेते हैं, तो इस तरह से ये सभी हो जाते हैं। क्वेश्चन है आपका
जैव विकास को प्रमाणित किया जा सकता है। तो जीवों की तुलना यानी जो जीवों की तुलनात्मक शरीर रचना द्वारा, शरीर क्रिया विज्ञान द्वारा, अनुवांशिकी द्वारा या उपरोक्त सभी के द्वारा। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाता है वो उपरोक्त सभी के द्वारा हो जाता है, यानी कि द ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन है आपका, जैव विकास का आधुनिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किन दो सिद्धांतों का समीकरण है? तो लेमार्कवाद एवं डार्विनवाद, डार्विनवाद एवं वैलेस का सिद्धांत, डार्विनवाद एवं डीब्रिज का उत्परिवर्तन सिद्धांत, लेमार्कवाद एवं डीब्रिज का उत्परिवर्तन सिद्धांत। तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें आपका जो सा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। यहाँ पे देखिए मैं सीरीज में जो क्वेश्चन के आंसर हैं उनको भी लेकर आई हूँ, जिसमें आप लोगों को कोई भी डाउट ना हो, क्योंकि देखिए एक से दो लोग हैं जो कमेंट करने लगते हैं कि ये नहीं ये सही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैं बहुत ही बारीकी से वर्क करती हूँ और चीज़ों को समझती हूँ और बहुत पढ़ती हूँ, उसके बाद में मैं आप लोगों के सामने क्लास लेकर आती हूँ। लेकिन अगर फिर भी अगर कोई डाउट है फिर भी आप लोग कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर दूंगी, और इसीलिए मैं आप लोगों के सामने देखिए इसका आंसर भी लेकर आई हूँ, ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन देख लेते हैं। फिलोसॉफी जूलॉजिक पुस्तक के लेखक हैं? तो मेंडल हो जाते हैं, लेमार्क हो जाते हैं, डार्विन हो जाते हैं या बीजमान हो जाते हैं। तो इसमें से कौन? तो द ऑप्शन यानी कि बीजमान हो जाते हैं, यानी जो फिलोसॉफी जूलॉजिक पुस्तक के लेखक बीजमान हो जाते हैं। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था तो लेमार्क ने, डार्विन ने, हुगो डी ब्रिज ने या मेंडल ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है हुगो डी ब्रिज ने, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है, पारिस्थितिक तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वर्ष किया गया? तो 1935 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में, 1835 ईस्वी में या 1938 ईस्वी में। तो आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है 1935 ईस्वी में, यानी कि आ ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। और इसको दिया किसने? तो टेंसले ने, है ना, तो टेंसले ने दिया, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं टेंसले फिर से लिख देती हूँ, टेंसले ने। क्वेश्चन है, खनिज पाए जाते हैं पृथ्वी के तल पर, भू प्रॉपर्टी में, समुद्र में, उपरोक्त सभी में। तो आप लोग अच्छे से जानते हैं खनिज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। देखिए पृथ्वी के तल पर भी पाए जाते हैं, भू प्रॉपर्टी में भी पाए जाते हैं, प्लस समुद्र में भी पाए जाते हैं। तो इस तरह से जो आंसर आपका हो जाता है वो द ऑप्शन हो जाता है, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाता है। क्वेश्चन आपका हो जाता है, निम्नलिखित वस्तुओं में से कौन सी वस्तु संचारित हो सकती है? तो लकड़ी की मेज, स्टील की कुर्सी, तेल लेपित लोहे की छड़ या आपका हो जाता है खुले स्थान पर रखी लोहे की छड़। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो द ऑप्शन हो जाता है, यानी कि खुले स्थानों पर रखी लोहे की छड़। क्वेश्चन है, आज की सीरीज का लास्ट सेकंड क्वेश्चन है, बॉक्साइट किसका अयस्क है? सोडियम का है, लोहे का है, एल्यूमिनियम का है या कॉपर का है? तो यानी बॉक्साइट जो अयस्क है वो एल्यूमिनियम का है। किसका है? तो एल्यूमिनियम का है। इस अकॉर्डिंग जो आपका राइट आंसर हो जाता है तो वो स ऑप्शन हो जाता है। एल्यूमिनियम, इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए एल्यूमिनियम क्या है? बॉक्साइट अयस्क एल्यूमिनियम का मुख्य स्रोत है और इसमें एल्यूमिनियम खनिज, गिप्साइट, बोहेमाइट और डायस्पोर शामिल हैं। उसके बाद क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कौन सी सांद्रण की विधि नहीं है? यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि नहीं है, चीजों को समझिएगा। फेन, प्लावन विधि या चुंबकीय पृथक्करण या निस्तारण या गुरुत्वीय पृथक्करण। तो इसमें आंसर को समझ लेते हैं, इसमें आपका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है निस्तापन, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक, आप लोगों को क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच जाए।